हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। किले के साथ बारी काफिले के साथ नामांकन भराया, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, प्रदेश के अंदर कमेरा वर्ग इकट्ठा हो चुका है और जब जब भी इस प्रदेश में राज सत्ता परिवर्तन हुआ है तो हरियाणा प्रदेश उसी शुरुआत हुई है। आज बहन मायावती चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक होकर के प्रदेश के अंदर एक कमेरे वर्ग की सरकार लाना चाहते हैं और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और वो पार्टी का निर्णय तो एक अलग बात है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता आज अभय सिंह की तरफ देख रही है। इस प्रदेश का भविष्य अभय सिंह चौटाला के हाथों में सुरक्षित है, वही इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। क्या आने वाले समय के अंदर जब चुनाव होगा तो देखिए, पत्रकार महोदय आज आपने हुजूम देखा होगा, मैं और प्रत्याशियों की तरह कोई पैसे से खरीद के या किराए पे जनता नहीं लेके आया हूँ। ये पब्लिक, ये जनता हमारे खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव से खुद आई है और आपने देखा होगा कितना उत्साह था। आपने मेरे पेट्रोल पंप पर उस वाटिका में कोई जगह नहीं थी। आज अपने आप जो लोगों का एक भरसक प्रयास ये है कि इन दोनों को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और कांग्रेस के प्रत्याशी को छोड़ करके, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के साझे प्रत्याशी प्रीतम खोखर को विजय बनाने का संकल्प ये पब्लिक ले चुकी है। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को ये संदेश देना चाहूंगा कि खरखोदा का विकास अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ एंड सिर्फ प्रीतम खोखर कर सकता है, क्योंकि दोनों ने राज की में लूट मचाई, राज की मलाई खाई। प्रीतम खोखर एक ऐसा व्यक्ति, आज तक कोई उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, क्योंकि ठगी ठोरी झूठ सुभान में नहीं बोलता, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आप अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में क्या साझा करें? मेरा राजनीतिक अनुभव ये है कि जब से मैंने राजनीति शुरू की, चौधरी देवलाल जी के चरणों में से राजनीति शुरू की, चौधरी चांदराम जी को मेरे पूज्य पिता श्री हुकमचंद खोखर जी के को आदर सम्मान करके चौधरी देवलाल जी के नेतृत्व में मैंने काम किया, और चौधरी देवलाल जी एक संघर्षशील महापुरुष थे, उन्होंने जब जब भी उनकी सत्ता आई उन्होंने कमेरे वर्ग को आगे ले जाने का काम किया और देश में चार बार सत्ता परिवर्तन किया, अब चौथी बार होने जा रही है। हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह चौटाला जब मुख्यमंत्री बनेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों के लिए हर सुविधा मिलेगी, चाहे वो रहने की है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो कोई रोजगार की है, किसी भी सत्र की है तो वो मुहैया कराएंगे। और यहाँ हमारे क्षेत्र में महिला कॉलेज है, इसको सरकारी कर्म मेरी पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूँ मैं, तो खरखोदा पानी की निकासी का कोई भी नहीं करा सका, मैंने आवाज़ उठाई थी, आप पत्रकार साक्षी हैं इस बात के, मेरे कहने पर ही सरकार ने पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे नहीं क्यों निलग पाए, क्योंकि यहाँ पर कोई संभालने वाला व्यक्ति नहीं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि नेतृत्व उसको सौंपना चाहिए और जो सौंपने जा रही है जनता, जो काम करने वाला व्यक्ति है। अब आप बता रहे हो भाई काम करेंगे अच्छे से, पहले भी कोशिश की है, तो जो यहाँ के विधायक रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के विधायक को कोई चिंता नहीं है, यहाँ का विधायक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपनी हाजिरी से मतलब अपना पैसा कमाओ खाओ मौत लो। आपने भाजपा में पूरी मेहनत की थी और ऐन वक्त पर आपको टिकट नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा मनाने की कोशिश नहीं की गई क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मनाने की बात तो एक दूर बाद की बातें हैं, पहले मैं एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का एक जो कल्चर है वो चेंज हो गया है। वो आज धन बल सब यूज करते हैं, मेरे को भी यूज किया, मेरे से उठाटा मिल गया होगा, कोई और ज्यादा ताकत और मिल गया होगा उसको यूज कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की कितने उसमें लाइन में है, आप देखो ना, जितने भी कैंडिडेट आए हैं प्रदीप सागवान को छोड़कर के किसी के कैंडिडेट के बारे में देख लें, प्रदीप सागवान साहब का बेटा है और वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को टिकट दिया, लेकिन बाकी देखो ना। तो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता की कदर नहीं है, कार्यकर्ता हताश और निराश, आप किसी कार्यकर्ता से पूछ लो, प्रीतम खोखर से नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे बात करेंगे तो वो अंदरूनी जब भावना निकालेगा, पहले तो कहेगा भारत माता ही जय, लेकिन जब उस अंदर से आप टटोलोगे थोड़ा तो यूं कहेगा बस भाई कुछ नहीं। देवेंद्र कादियान ने तो 100 करोड़ रुपए में टिकट लाने का, देखिए पत्रकार महोदय उससे ठाटे मिल जाएंगे, मिल गए, यहाँ तो लाइन है,
कोई उससे तगड़ा मिल जाए, कोई उससे तगड़ा मिल जाए, कोई उससे तगड़ा मिल जाए, उसको टिकट दे दो। कार्यकर्ता की पूछ नहीं है, कार्यकर्ता की पूछ होती, प्रीतम खोखर ने से ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की थी। खरखोदा में मेरे को लिया इसलिए गया था भी हमारे पास खरखोदा खाली है, मैं नहीं जाता, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं छोड़ता, मेरे को बुलाया गया। मेरे को आज कृष्णा मैडम जी जीवित हैं, वो साक्षी थी, धर्मवीर नांदल जी जिला अध्यक्ष थे वो साक्षी, अपने सुरेंद्र दैया जी सिसाना से जो दैया खाप के प्रधान वो साक्षी है, ये तीनों मेरे को लेके गए थे और ये कह के लेके गए थे भारतीय जनता पार्टी आपके अंदर खरखोदा का भविष्य देख रही है, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। माननीय सुभाष बराला जी प्रदेश अध्यक्ष थे उन दिनों, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, दोनों ने मेरे को ये आश्वासन दिया था कि प्रीतम जी हमारे पास खरखोदा कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आओ, हम आपको आगे ले जाएंगे। तो मेरे साथ क्या किया, अब मेरे आप मेरा सही बजट देखेंगे तो मैं तो बर्बाद हो गया, क्योंकि मैंने 30 लगन से मेहनत की, इस लगन से पैसा खर्च किया, सारी रैलियां सारी मेरे को सौंप दी गई। लगभग कितने लाख रुपए आप रैलियों पर खर्च कर चुके होंगे? मैं करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूँ। आपके आप देखने वाले हैं, आपने वीडियो बनाई है मेरे प्रोग्रामों की, रैलियों की, सभी पत्रकार साक्षी है, मैंने कोई कमी छोटी हो तो बताओ। हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।